पानी की तरह से किसी को पानी नहीं मिल रहा, पैसे से भी पानी नहीं मिल रहा। देहरादून के गांधी पार्क पर लगी पानी की एटीएम मशीन अब शोपीस बनकर रह गई है। इस मशीन में एक का सिक्का डालने पर एक गिलास पानी मिलता था, लेकिन अब ना ही आम जनता को पानी मिल रहा है और ना ही उनका सिक्का वापस आ रहा है। तो इसमें आम जनता की कहीं ना कहीं जेब ढीली होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसका जिम्मेदार कौन, आप भी देखिए नेशन वन की एक खास रिपोर्ट। आज हम देहरादून के गांधी पार्क पर मौजूद हैं, जो कि देखा जा रहा है कि गर्मी का समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को पानी के लिए भी दिक्कतें होती हैं। पानी की मशीन है वो लगाई गई है। आप यहां से तस्वीरें देखेंगे, जो एक एटीएम जो पानी की मशीन है वो एक शोपीस बन करके रह गई है। यहां से आप देख पाएंगे कि यहां पे कहीं ना कहीं पैसा तो जरूर खर्च हुआ है, लेकिन जो पानी की एटीएम मशीन लगाई गई है वो एक शोपीस बन करके रह गई है। आप यहां से सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे। गर्मी का समय चल रहा है, लोगों को पानी की जरूरत होती है और गांधी पार्क ये है, यहाँ पे लोगों का आवागमन भी जारी रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये नई मशीन लगाई गई है और इसमें पैसों का भी कहीं ना कहीं ये खर्चा हुआ है, लेकिन वो मशीन जो है वो शोपीस बन करके रह गई है। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, अभी हम एक का सिक्का भी इसमें डालेंगे और देखेंगे क्या इसमें पानी आएगा या नहीं आ पाएगा। आइए देखते हैं, इसका भी आज एक रियलिटी चेक करेंगे। आप यहाँ से सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे, पानी आएगा इसमें या नहीं आएगा। एक कॉइन डालते हैं अब हम, उसमें देखेंगे चेक करेंगे कि क्या इसमें से पानी आ पाता है या नहीं आ पाता है। ये देखिए यहाँ पे जो सिक्का है वो अंदर चला गया है, लेकिन जो पानी है वो नहीं आ पाया है यहाँ पे। और वो ये जो सिक्का है वो भी कहीं ना कहीं जो जनता की जेब में से जो पैसा निकलता है वो भी यहाँ पे जो अंदर चला गया, अब वो सिक्का भी नहीं जो है मिल पाएगा। तो लोगों के लिए, आप लोगों ने देखा, एक तो जिस तरीके से इस समय पे कोरोना काल भी चल रहा है, लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन ये जो पानी की एटीएम मशीन लगाई गई है, कितना समय हो गया है इसे? इसको लगभग 2 साल हो गए लगे मेरा जी। और इस बार सिटी के उसमें लगाया गया है इसको जी। इसमें एटीएम सिस्टम है इसका जी। जैसे कि हम 1 रुपया डालेंगे जी। तो हमें 1 गिलास पानी मिल जाएगा जी। और 1 रुपये लीटर के हिसाब से 300 लीटर 300 हिसाब से मिल जाएगा जी। और यहाँ सिक्का भी डाला, कुछ नहीं हुआ इसमें, ऐसी बस पैसा करीब इसकी जो लागत आती है 15 लाख रुपये आती है, और इस बार सिटी के नाम से ही खा गए पैसा पूरा। आज जून का महीना, सब लोग खड़े हुए यहाँ पर पानी के तरह से, किसी को पानी नहीं मिल रहा, पैसे से भी पानी नहीं मिल रहा। तो बड़े दुर्भाग्य है हमारा, जो हम देहरादून में इस बार सिटी के नाम से भी पैसे से भी हमें पानी नहीं मिल रहा, बड़े दुर्भाग्य है इसको। बहुत बड़ा हम सोचते हैं कि इसको आगे के सही करे जाए कार्रवाई। और यहाँ पे जो सीधी तस्वीरें आप लोगों ने देखी, तो उसमें कहीं ना कहीं आम जनता की जेब ढीली होती दिखाई दे रही है, और सरकार के द्वारा जो लगाई गई मशीन है वो एक शोपीस बन करके रह गई है। मेरे सहयोगी जय ओबराय के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।